हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सिंह और आपका स्वागत है ठीक है मेरे चैनल पे। और यार अभी हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अभी कॉन्टेक्स्ट अब जैसे आप देख सकते हो यार इधर ठीक है, ये अपना जो कॉन्टेक्स्ट है ये अपना एडवांस गाइड के अंदर आता है ठीक है। एडवांस गाइड के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आता है यार, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है ठीक है। और यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं ठीक है। और यार यूज़ को समझने का सबसे ज़्यादा सही जो तरीका है वो यही है कि आप उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखो ठीक है। तो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यूज़ को जो कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट को क्यों यूज़ करते हैं ठीक। तो देखो सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है हम जिसको समझने वाले, वो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं राइट है। तो हम इसको यूज़ करें क्लास कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर जो रिएक्ट में हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर ठीक है। तो अगर मैं यही चीज़ इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो फंक्शनल कंपोनेंट में इसके लिए मेरे को हुक्स दिए हुए हैं ठीक है। कौन से? मेरे को दो हुक्स दिए हुए हैं। उस हुक्स का नाम क्या है कि यार अगर मैं उसको फंक्शनल, जैसे ही मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ राइट, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मेरे को यूज़ कॉन्टेक्स्ट ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट ठीक है, और यूज़ क्रिएट नाम के जो मेरा है, ये हमारे दो हुक्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ठीक है। मगर यहाँ हम क्योंकि यहाँ सबसे पहले यहाँ क्लास कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है, तो हम यहाँ क्लास कंपोनेंट में जो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट है उसका क्या पर्पस है हम थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं ठीक। सो यार सबसे पहले यहाँ आपको एग्जाम्पल बोला गया है कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ किस लिए करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट आपको क्या करता है, आपको एक आपको रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कि आप जो डेटा है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो कंपोनेंट ट्री में विदाउट पासिंग द प्रॉप्स डाउन मैनुअली टू एवरी लेवल ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार अगर मेरे को एक मेरा चाइल्ड है, एक मेरा पेरेंट है ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो ठीक है, जैसे मेरा एक पेरेंट है तो पेरेंट के अंदर मेरा एक चाइल्ड है और उसके अंदर फिर एक दूसरा चाइल्ड है और फिर उसके अंदर एक तीसरा चाइल्ड है ठीक है। तो मेरे को अगर इस चाइल्ड तक कुछ डेटा पहुंचाना है इस पेरेंट से लेके यहाँ तक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक लेवल में प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, प्रॉप्स पास करना पड़ेगा ठीक है। और अगर मैं इस प्रॉप्स को ना पास करूँ ठीक है, इस प्रॉप्स में वो डेटा ना पास करूँ हर एक लेवल पे, तो मेरा डेटा यहाँ तक पहुँच नहीं सकता ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपको लाइव करके दिखा देते हैं ठीक। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप देख सकते हो ठीक है, और मेरे कहने का मतलब क्या है। तो यार सबसे पहले तो अपन ये काम करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट है राइट, तो अभी तो हम क्लास कंपोनेंट में, तो क्लास कंपोनेंट में ही बात करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये कर लिया और उसके बाद मेरे को यहाँ जो सबसे पहले ज़रूरी है वो क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या इम्पोर्ट करना पड़ेगा, एज यूजुअल हम जो करते हैं ठीक है, रिएक्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो चीज़ मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्लास कंपोनेंट में, जो हमेशा मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ता है वो है ये कंपोनेंट ठीक है। तो मेरे को और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंपोर्ट ये कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा ठीक। तो अभी जो मेरा ऐप है ये मेरा यहाँ काम करने लगेगा राइट, मगर अभी भी यहाँ एक दिक्कत है ठीक है। उस एक चीज़ में क्या दिक्कत है, तो इस चीज़ में दिक्कत ये है कि मैंने इस ऐप को यहाँ बनाया था मगर अभी इसको एक्सपोर्ट नहीं किया ठीक है। मतलब अभी मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो एक्सपोर्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ई एक्स पी ओ आर टी ठीक है, एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आई थिंक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है ओके, डी एफ ई वर्ल्ड डिफॉल्ट ठीक है। तो अब ये जो मेरा क्लास कंपोनेंट है, अब जो मेरा ऐप नाम का क्लास कंपोनेंट है ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है ठीक है। और ये मेरा यहाँ अगर मैं बात करूँ इस जगह पे जहाँ मेरा इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर अभी कॉल हो रहा है ठीक है, यहाँ इम्पोर्ट हो गया, यहाँ कॉल हो रहा है राइट। सो अगर मैं इसकी बात देखूँ, अगर मैं ये देखूँ कि क्या ये जो डेटा है ये मेरे जो सर्वर है ठीक है वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो लेट्स देख लेते हैं कि अरे वहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है। ओके, तो देखने के लिए मेरे को क्या करना है, मैं कुछ नहीं करना, मेरे को बस सर्वर पे जाना है और मेरे को चेक कर लेता हूँ कि अरे ओके ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि यार यहाँ सर्वर पर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को एरर आ रहा है कुछ ठीक। अब यार ध्यान दो, एरर देखना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एरर कैसे देखते हैं ठीक है। जैसे यहाँ एक दिया हुआ बटन, बटन इज़ नॉट डिफाइंड ठीक। हाँ, तो मेरे को देखना है यार कि अब बटन यहाँ है कहाँ ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं कि बटन इज़ नॉट डिफाइंड। तो बोल रहे हैं कि ये बटन है और बटन को भाई आपने डिफाइन नहीं किया हुआ ठीक है। तो चलो यार पहले बटन को डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि बटन नाम का कंपोनेंट बनाया हुआ है आपने और बटन नाम का कंपोनेंट मेरे को कहीं दिख नहीं रहा ठीक है, ये कोई बटन नाम का कंपोनेंट कहीं दिख नहीं रहा। ओके, तो चलो हमें काम करते हैं, हम इस बटन को हटा देते हैं ठीक है।
बस बटन की जगह मैं एक सिंपल सा एक बटन नाम का कंपोनेंट चलो बना लेता हूँ। ये नाम का मेरा कंपोनेंट यहाँ नहीं है, इस ऐप के अंदर देख लेते हैं। सॉरी इस कहाँ गया, ठीक है इस एप्लीकेशन के अंदर देख लेते हैं कि बटन नाम का इन्होंने कंपोनेंट बनाया कहाँ है। अगर बटन नाम का इन्होंने कंपोनेंट बनाया है अगर यहाँ दिया नहीं है राइट, तो अपने को एक बटन नाम का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो बटन नाम का कंपोनेंट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ एक नया एक बटन नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। तो मैंने बोला चलो ये BUTTON बटन डॉट js, ठीक। तो जो चीज़ ये लोग नहीं दे रहे हो उसको मैं खुद क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ बोला RFC React Function Component Export, ठीक। तो यहाँ एक बटन नाम का कंपोनेंट बन गया और इसके अंदर ये जो डेटा है वहाँ से प्रॉप्स यहाँ पास होगा, ठीक है। और प्रॉप्स में पास क्या हो रहा है, यार प्रॉप्स में पास हो रहा है यहाँ से कुछ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट थीम, ठीक है। तो ये जो थीम है थीम यहाँ पास हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ मैं इस थीम को यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है प्रॉप्स यहाँ आ रहा है, तो मैंने लिख दिया PROPS प्रॉप्स, सॉरी PROPS प्रॉप्स, ठीक। और मैं इस प्रॉप्स को यहाँ एक्सेस करता हूँ, इसके इस जगह हटा के मैंने प्रॉप्स डॉट वट एवर देट पासिस, उन्होंने जो भी पास किया हुआ है, तो मैंने प्रॉप्स में इन्होंने क्या पास किया थीम, ठीक है। तो मैंने यहाँ थीम प्रिंट करा दिया, ठीक है। और मैंने मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बटन कंपोनेंट को वहाँ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यही कह रहे हैं कि भैया बटन यहाँ इम्पोर्ट नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है इम्पोर्ट कर लेते हैं, उसमें क्या है, मैंने बोला IMPORT इम्पोर्ट बटन फ्रॉम बटन्स, ठीक है। और यहाँ से हमारा फाइल इम्पोर्ट हो गया, अब इसको सेव करके देखते हैं, ठीक। तो अब भाई ये हमारा बटन डॉट थीम यहाँ आ गया, ठीक है। और बटन डॉट थीम नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। तो इसकी वैल्यू लाने के लिए मेरे को इसको लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो अब इसकी वैल्यू जो भी थीम के अंदर सेट हुई थी आ जाएगी, ठीक। यहाँ देखते हैं यार थीम के अंदर वैल्यू क्या सेट थी, तो एक मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मेरे को लग रहा है शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तक आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अगर मैं इस थीम की बात करूँ तो यहाँ थीम में पास क्या हो रहा है, थीम में पास हो रहा है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट थीम, ठीक। और अगर आप इस थीम को देखो तो ये थीम कहाँ से आ रहा है, ये थीम आ रहा है यहाँ से, ठीक है, थीम बटन से, ठीक। अगर और ऊपर जाते हैं तो यहाँ थीम बटन के अंदर ये जो थीम आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इस थीम से आ रहा है, ठीक है। और इस थीम के अंदर जो वैल्यू आ रही है डार्क आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस कंपोनेंट में बात करूँ तो इस कंपोनेंट में यहाँ जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, डार्क प्रिंट होगा। इसका मतलब मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, डार्क प्रिंट होना चाहिए। स्क्रीन पे आके देख लेते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे आके देखते हैं, डार्क प्रिंट हुआ नहीं, मेरे डार्क प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो यहाँ हुआ क्या, अगर मेरे को ये मेरा पेरेंट है, ठीक है, और इसके अंदर ये मेरा कंपोनेंट एक बनाया फंक्शनल कंपोनेंट, ये देखो ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने प्रॉप्स पास किए हैं, ये मेरा प्रॉप्स पास हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, प्रॉप्स पास किया है, पास प्रॉप्स, ठीक है। फ्रॉम ये अभी प्रॉप्स कहाँ से आ रहे हैं, ये ऐप से आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐप से आ रहे हैं, ठीक। अब ये जो है इसमें जो प्रॉप्स आए इसने क्या किया भाई, इस प्रॉप्स को और आगे पास कर दिया, कहाँ पास किया, थीम बटन में पास किया, ठीक है। तो थीम बटन नाम का कंपोनेंट मेरा यहाँ, ठीक है, एक क्लास जो कंपोनेंट है थीम बटन का मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ जो प्रॉप्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये जो प्रॉप्स आ रहे हैं प्रॉप्स फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं प्रॉप्स, ये आ रहे हैं मेरे टूल बार से, ठीक है, टूल बार, ठीक। और अगर आप देखो यहाँ से ये जो प्रॉप्स यहाँ आए, ठीक है, जो इसके अंदर प्रॉप्स आए वो कहाँ चले गए, वो यहाँ गए बटन के अंदर, बटन हमने नया बनाया, ठीक है। तो ये हमारे बटन के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट ना करने के बजाय हमें काम कर सकते हैं कि हमने इस बटन को यहाँ से उठा के और सीधा वहीं लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के मैंने एक बटन का कंपोनेंट मैंने यहीं डिफाइन कर दिया, ठीक। मैंने बोला फंक्शनल बटन दिस, और ये मेरा बटन कंपोनेंट यहाँ डिफाइन हो गया, इसके अंदर प्रॉप्स पास हो रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ से जो मैंने इंपोर्ट किया था इसको भी कमेंट करके देख लेता हूँ कि काम कर रहा है नहीं कर रहा ढंग से, ठीक। तो मैंने यहाँ बटन पास किया और अभी भी इसको वैसे ही काम करना चाहिए, ठीक है, वैसे ही काम कर रहा है। और अब अगर ये जो मेरा कंपोनेंट है ये रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको डॉन्ट सेव करते हैं और देखते हैं कि यार हमारे UI पर कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ क्यों किया, मैंने बस ये दिखाने के लिए कि ये हमारा
अब कहाँ पास हो रहा है, यहाँ जो आ रहा है यहाँ प्रॉप्स के जो, वो कहाँ से आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं थीम बटन से, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं थीम बटन से, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यार यहाँ क्या है, यहाँ हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। थीम बटन सबसे हमारा लास्ट कंपोनेंट क्या है, ये हमारा बटन है, ठीक है। तो बटन हमारा सबसे बाद वाला चिल्ड्रन हुआ, ठीक। उसके अंदर हम बात देखें, ये हमारा चिल्ड्रन हुआ, ठीक है। इसके ऊपर कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट हमारा थीम बटन हुआ, इसका पेरेंट हमारा थीम बटन हुआ, ठीक है। और थीम बटन का पेरेंट क्या है, थीम बटन का पेरेंट हुआ टूल बार, थीम बटन का पेरेंट हुआ टूल बार, ठीक है। और अगर आप देखो तो टूल बार का पेरेंट कौन है, टूल बार का पेरेंट है कौन है, टूल बार का पेरेंट है ऐप, ठीक है, ऐप क्लास, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ये जो हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, हम कहाँ से पास कर रहे हैं, हमने ये जो प्रॉप्स था, प्रॉप्स मतलब ये जो थीम, इसको देखो, ये जो हमारा थीम, ये थीम जो मैंने लिखा, थीम भैया थीम इक्वल्स टू डार्क, ठीक है, ये मैंने पास किया था अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। कहाँ पास किया, टूल बार में किया, टूल बार से पास कहाँ हुआ, टूल बार से यहाँ थीम बटन में पास हुआ, थीम बटन से ये, थीम बटन से बटन में पास हुआ, और फिर जाके यहाँ जाके डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो मतलब ये पूरा का पूरा हायरार्की बना, डिफाइन यहाँ हुआ है, ठीक है, डिफाइन यहाँ हुआ है और यूज यहाँ हुआ है, नीचे समझ में आ रही है, ठीक। तो मगर डिफाइन यहाँ हुआ, यूज यहाँ हुआ, ठीक है, मगर उसके बाद भी मेरे को क्या करना पड़ा, हर जगह पे डिफाइन करना पड़ा, हर जगह पे, हर लेवल पे मेरे को लिखना पड़ा प्रॉप्स डॉट थीम, प्रॉप्स डॉट थीम, प्रॉप्स डॉट थीम, ठीक है। तब जाके ये हमारे बटन कंपोनेंट तक वो वाली वैल्यू पहुंची, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है, प्रॉप डी आर आई डबल एल ड्रिलिंग, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक। तो प्रॉप ड्रिलिंग आपको समझ में आ गया, प्रॉप ड्रिलिंग क्या है। अब अगर आप देखो कि अगर मैं इस बीच में से एक जगह से भी हटा दूं, मतलब मैंने बोला कि यार मैं प्रॉप्स में से यहाँ थीम पास नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने इस जगह पे थीम को पास नहीं किया, तो क्या होगा, अब यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने बीच में एक जगह भी हटाया, अगर मैंने बीच में ये एक जगह भी पास नहीं किया, तो मतलब लास्ट वाले कंपोनेंट पे ये वाली वैल्यू जो डार्क में ऊपर से पास कर रहा हूँ यहाँ नहीं पहुँचने वाली। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब मैं जाता अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ हो क्या रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम है, राइट, कि यार अपने को अगर एक पेरेंट से दूसरे कंपोनेंट में नेस्टेड एलिमेंट है मेरे पास, ठीक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को हर जगह पर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद पास करना पड़ेगा एक लेवल, अगर चार लेवल है तो हर एक लेवल पे मेरे को प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे, भले ही उस सेकंड वाले कंपोनेंट में इसका कुछ यूज़ हो गया ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस दिस डॉट प्रॉप्स डॉट थीम का इस कंपोनेंट में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इस कंपोनेंट में भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक, मगर यूज़ कहाँ है, लास्ट वाले कंपोनेंट में यूज़ है, जो कि इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर आ रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है कि यार इसके लिए मेरे को बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, और अगर इस तरीके से मेरे 10 एलिमेंट है तो मेरे को 10 बार 10 लेवल पे वो प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है, एक 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 करके, ठीक। तो वो एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट का, ठीक। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ का क्या मतलब है भाई, देखो जो हमारा रिएक्ट है, रिएक्ट एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का अपने को API देता है, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का अपने को API देता है, बोल सकते हैं फंक्शन देता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसी API की मदद से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि बिना बीच वाले किसी कंपोनेंट में ये स्पेसिफाई किए कि यार प्रॉप्स डॉट दिस, प्रॉप्स डॉट, प्रॉप्स डॉट थीम, प्रॉप्स डॉट थीम, प्रॉप्स डॉट थीम, मेरे को बीच वाले कंपोनेंट में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक बार यहाँ पेरेंट में डिफाइन किया, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर मेरा 10 लेवल भी है, ठीक है, 10 भी लेवल है, 10 नेस्टेड एलिमेंट्स है, नेस्टेड कंपोनेंट्स है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, और लास्ट वाले पर मेरे को यूज़ करना है, तो मैं उसको डायरेक्ट लास्ट वाले में यूज़ कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ पासिंग डेट प्रॉप्स फ्रॉम एवरी लेवल, ठीक है, हर एक लेवल पे मेरे को पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे एक नाम, ठीक है, अभी कॉन्टेक्ट, हम ये थीम कॉन्टेक्स्ट नाम रख रहे हैं, ठीक है, हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है थीम कॉन्टेक्स्ट ही रखिए, या हम कुछ भी, जैसे मैंने थीम रख दिया, ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, थीम, और इस थीम में क्या आ रहा है, इस थीम में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो नाम से मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, क्या बनाया मैंने, कॉन्टेक्स्ट बनाया। तो कॉन्टेक्स्ट का काम क्या होता है कि बिना
प्रॉप ड्रिलिंग को एलिमिनेट करते हुए सिर्फ मैं एक जगह डिफाइन करूँ, और उसके बाद अगर मैं इसके नेस्टेड एलिमेंट्स में कहीं भी इसकी वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ, प्रॉप्स की वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ बिना एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में उसको पास किए हुए। ठीक है, नीचे समझ में आ गई। अब अगर आप देखो तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया हुआ, ठीक है, रिएक्ट ये, या फिर अगर मेरे को इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं करना, एक मिनट याद करके मैं इसको सही कर देता हूँ। और यहाँ आप अगर आप देखोगे तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेरे को इसलिए कंपोनेंट में को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मैंने वहाँ डिफाइन नहीं किया था इनिशियली, मगर जब मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ तो अब मेरे को रिएक्ट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ जो मैंने रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ डिस्ट्रक्चर करके निकाल लेता हूँ तो मेरे को यहाँ रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं, राइट। तो अब नहीं इसका क्या मतलब है कि मैं डायरेक्ट सिर्फ थीम इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख के और जो भी मैं इसमें इनिशियल वैल्यू सेट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो आपको लाइट दिख रही है, ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रही है लाइट, ठीक है, सो लाइट इज आवर डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, हमने क्या इसकी इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, कि अगर किसी भी तरीके के वेरिएबल नहीं है, ठीक है, और हम थीम और हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और थीम के थ्रू हम अपना डेटा पास कर रहे हैं पेरेंट टू चिल्ड्रेन, तो मेरा जो डिफॉल्ट थीम अगर मैंने किसी तरह की वैल्यू नहीं दी तो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, लाइट चली जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक, तो अभी मेरे को इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर इस केस में अगर देखो तो थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का यूज़ किया, हमारे केस में हमने वेरिएबल क्या लिया हुआ है, थीम लिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को थीम कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, थीम डॉट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैंने थीम डॉट प्रोवाइडर से ये स्पेसिफाई कर दिया कि यार मैं इसको यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट वाले को, ठीक, अपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, और मैं इसमें कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू पास करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये ओपनिंग टैग हुआ, ठीक है, तो आप एक क्या बनाओगे, आप एक क्लोजिंग टैग भी बनाओगे, तो मैंने क्लोजिंग टैग बना दिया। ठीक है, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, क्लियर है यहाँ तक, ओके, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, राइट। अभी इसमें एरर दिखा रहा है, क्यों एरर दिखा रहा है, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, ये एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न से पहले डिफाइन कर दिया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको अंदर डिफाइन करते हैं, रिटर्न के बाद डिफाइन करेंगे, राइट, और इसको थोड़ा सा इनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को इसको लग रहा है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने गलत सिंटैक्स का यूज़ कर लिया, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ये हमारा अब सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ओपनिंग टैग हुआ, ये मेरा क्लोजिंग टैग हुआ। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरा डेटा था उसको मैंने पास करना शुरू कर दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू के अंदर जो मैंने डेटा पास कर दिया, इनिशियली मैंने लाइट लिया था, बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं लाइट ना पास करके मैं यहाँ डार्क पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डार्क, मैंने क्या लिख दिया, डार्क। और यहाँ जो मैंने थीम आपको ये देख रहे हो कि थीम मैंने डार्क लिखा हुआ, इसको हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मगर अभी भी ये जो रिटर्न है, रिटर्न सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आप ऐसे काम कर रहे होते हो तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, मैं क्या यहाँ गलती हो रही है यार, व्हाट, ऐसी कौन सी गलती हो रही है। ओके, चलो अब ठीक है सर। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया। अगर आप देखोगे तो मैंने थीम डॉट प्रोवाइडर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि तो मैंने थीम यहाँ डिफाइन की हुई है, और थीम डॉट जो प्रोवाइडर है, ये देखो जो डॉट प्रोवाइडर है, यही क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इस पूरे के पूरे, अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस टूल बार के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उन सभी को ये वाली वैल्यू आराम से एक्सेस हो जाएगी। ठीक, और इसको एक्सेस करने का भी तरीका है वो हम बाद में देखेंगे, मगर अभी सबसे पहले जो हमने बात की थी, सबसे पहले तो अपन वो करेंगे, और वो क्या होगा कि भाई हमने बोला था कि अब हमें हर लेवल पे प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, तो मैंने इसको हटा दिया। इसी तरीके से मैंने नीचे डिफाइन किया था प्रॉप्स, ठीक है, इसको भी हटा दिया, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मेरे को हर लेवल पर प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, और इनिशियली लेवल पर मैं काम करता हूँ, मैं अभी के लिए इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम यहाँ काम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक, अब क्या मुझे यहाँ प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत है,
अगर मैंने प्रॉप्स अंदर नहीं यूज कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इन लेवल्स पे भी प्रॉप्स 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 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो मैंने यहाँ से भी सारे प्रॉप्स हटा दिए। ठीक, अब देखो, अब यहाँ थीम डॉट प्रोवाइडर में वो क्या कर रहा है, ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इस टूल बार नाम के कॉम्पोनेंट के अंदर। ठीक है, अब मेरे को ये जो वैल्यू है वो सीधा यूज करनी है कहाँ, आपको पता है बटन के अंदर। ठीक है, ये जो मैंने बटन नाम का कंपोनेंट बनाया था सीधा मेरे को इसके अंदर यूज करना है। ठीक, अब ये आप जानते हो कि किस तरीके से एक से दूसरे से तीसरे के चौथे से और इस तरीके से बटन तक पहुंच रहा है वो वैल्यू, तो मेरे को वो डायरेक्ट इसके अंदर यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, बटन के अंदर जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे किया हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ एक स्टैटिक टाइप कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्टेक्स्ट टाइप लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ मैंने फंक्शन कंपोनेंट बनाया तो फंक्शन में लिख दूंगा। ठीक है, मैंने बोला यूज, ओके, मैं यार अभी के टाइम पे इसको फंक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्लास कंपोनेंट समझा रहा हूँ और फिर ये मेरे को यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम यूज कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते, अभी हम क्योंकि क्लास कंपोनेंट की बात करते हैं तो क्लास कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, मेरे को उसको क्लास लिख देना है, क्लास बटन और देन एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, और इस तरीके से ही मेरा हो जाएगा क्लास कंपोनेंट, और फिर मेरे को इसके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से ये डिज़ाइन हटा देनी है और उसके बाद मेरे को ये रेंडर नाम का एक एलिमेंट यूज़ करना है। ठीक है, और देन इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिटर्न हो गया, यहाँ वैल्यू आ जाएगी और इस रिटर्न के बाद मैं अपना जो मेरे को लिखना था वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को लिखना क्या था, मेरे को लिखना था ये। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी, जो भी फंक्शंस होते हैं हम यहाँ डिफाइन करते हैं पहले। ठीक, तो स्टैटिक डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो क्रिएट, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ आपको जो नाम ये है ना, ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक, और ये जो है ये नाम वही होना चाहिए जो आपने यहाँ डिफाइन किया था। ठीक है, तो मैंने मेरे केस में मैंने थीम डिफाइन किया था, तो मैं यहाँ थीम कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा थीम, मैं क्या लिखूंगा, थीम। अभी जो थीम वाली जो मेरी वैल्यू थी जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी वो मेरी यहाँ अवेलेबल हो गई कॉन्टेक्स्ट टाइप में। ठीक, तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट टाइप की सीधा वैल्यू की बात करूँ तो ये मेरे यहाँ एज एन प्रॉप्स आ चुका है। ठीक है, और अगर मेरे को इसकी वैल्यू को यूज़ करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब इस थीम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अब इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। ठीक, तो अगर मेरे को इसको यूज़ करना है तो मैं सीधा, अब देखो मैं स्टैटिक जब लिखता हूँ, एक बात समझ लो, क्लास कंपोनेंट में जैसे ही स्टैटिक लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैटिक सीधा लिंक हो जाता है हमारे क्लास से। ठीक है, मतलब बटन से लिंक हो चुका है। ठीक, तो इसका मतलब बटन डॉट, अगर आप कॉन्टेक्स्ट टाइप कॉल करोगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो भी यहाँ से आ रही होगी वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आप सीधा इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो क्योंकि हम जो फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, उसमें दिस से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टाइप, राइट। तो मैं वही काम यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई दिस डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टाइप। ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए, जो भी मैंने वैल्यू इस थीम में पास की थी, कहाँ पास की थी, प्रोवाइडर के अंदर पास की थी। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को इस लास्ट वाले कंपोनेंट में एक्सेस हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि ये पिछली वाली वैल्यू से अलग हो जाए। तो दिस इज माई वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। और अगर आप देखोगे अब इस ऐप के अंदर तो यहाँ एरर आ गया, वेरी गुड, एरर आना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि यहाँ प्रॉप ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, मैंने प्रॉप ड्रिलिंग को कमेंट किया था और यहाँ मेरे को क्या बोल रहा है यार, एरर क्या है, तो एरर ये है कि मॉड्यूल बिल्ड फेल, क्यों भाई फेल हो गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टोकन 43 लाइन को मेरे को देखना है, 43 लाइन मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो 43 लाइन ओके। ठीक, तो मैंने यहाँ कुछ कमेंट्स किए हैं और वो कमेंट्स क्योंकि शायद बाद में है तो शायद इस वजह से हो रहा हो, मैं इसको हटाया और मैंने बोला फिर 40 लाइन में इसको एरर आ गया, अभी 40 लाइन में आपको क्या एरर आ गई, इन्होंने बोला कि यार जो आपने टैग्स लगाए हैं वो सही से नहीं लगाए हैं तो आपको सही से टैग्स लगाने पड़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैंने गलत किया होगा, मैं दोबारा से टैग लगाने की कोशिश करता हूँ सही तरीके से। ठीक, तो जो यहाँ गलती है वो क्या है,
यार वो गलती ये है कि शायद यहाँ एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक, अब इसके बाद इसको सही हो जाना चाहिए। और अब यहाँ ऊपर से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो यार, अब यहाँ यही सारी चीज़ें हैं जब आपको समझना पड़ता है कि देखो यहाँ ये तो रेंडर हो रहा है मगर हमारा कंपोनेंट जो हम पास कर रहे थे वो रेंडर नहीं हो रहा, ठीक। अब क्यों नहीं हो रहा उसको अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा, तो लेट्स फिगर आउट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा रिटर्न हो रहा है, यहाँ से हम बटन को रेंडर कर रहे हैं, ये हमारा बटन यहाँ से आ रहा है, ठीक, और इसके अंदर हमारा हम रेंडर करा रहे हैं दिस डॉट कॉन्टेंट डॉट टाइप, ठीक, और कॉन्टेक्स्ट टाइप के अंदर हमने थीम को वो किया, वो थीम की वैल्यू को लिया, और थीम की वैल्यू में हमने प्रोवाइडर के अंदर हमने वैल्यू सेट की है, और इस वैल्यू में हमने दिस इज माई वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो प्रोवाइडर के हिसाब से ये वैल्यू वहाँ तक चली जानी चाहिए थी मगर कहीं ना कहीं बीच में लोचा हो गया है और यहाँ वैल्यू नहीं आई। ओके ग्रेट, वैल्यू क्यों नहीं आई, शायद यहाँ अपने को कंसोल के अंदर कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंसोल में देख लेते हैं, कंसोल भैया खुल जाओ यार, ऐसी क्या दुश्मनी हमसे तुम्हारी है। और बोला है कि एरर वाइल ट्राइंग टू यूज द फॉलोइंग आइकन, आइकन की गोली मारो यार, आइकन नहीं चाहिए मेरे को। और वैलिड इमेज, वैलिड इमेज की हमने बात ही नहीं की, हम इमेज की यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ ये है कि थीम डॉट प्रोवाइडर है ये काम नहीं कर रहा। तो थीम डॉट प्रोवाइडर क्यों नहीं काम कर रहा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम से हमने बनाया, हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की, हमने यहाँ थीम नाम से बनाया, देन हमने थीम डॉट प्रोवाइडर लगाया, ठीक है, थीम डॉट प्रोवाइडर के हमने वैल्यू पास की, उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ एक्सेस हो जानी चाहिए, ठीक। तो हम ज़रा सा अपना रेफरेंस ले लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, क्या हमने और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अलग किया हुआ है। ओके सो हाँ, एक चीज़ अलग की हुई है, वो क्या अलग की है कि हमने बटन के अंदर ये थीम पास किया हुआ है जस्ट एक लेवल ऊपर, राइट। ओके तो हमने बटन के ऊपर थीम पास किया हुआ है, देन प्रॉप्स, ठीक। तो हम भी एक काम कर लेते हैं, हम बटन के ऊपर जो हमारा क्लास यूज़ हुआ है वो हम इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा यहाँ इसने थीम पास किया है, टी एच ई ए एम, हमने थीम नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। और थीम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने ये वैल्यू पास की है, कौन सी वैल्यू पास की है, हमने ये दिस डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, दिस डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टाइप हमने यहाँ पास किया हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ इसकी वैल्यू को एज एन प्रॉप्स लें, ठीक। तो हम एज एन दिस डॉट प्रॉप्स या दिस डॉट प्रॉप्स डॉट थीम से हम इसको यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखने के लिए अपने को फाइनली जाना पड़ेगा यहाँ कि भाई अभी भी ये आया नहीं आया, यार अभी भी यहाँ वैल्यू नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ स्टैटिक शेड डिफाइन किया हुआ है, तो ये यहाँ डिफाइन नहीं होगा, ये यहाँ डिफाइन हो चुका है, ठीक है। और हमने यहाँ एज एन थीम यहाँ पास किया था, और ये जो थीम है एज एन प्रॉप्स यहाँ आ गया है, और दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट से हमने इसकी वैल्यू को ले लिया, ठीक है, बिल्कुल सही, मगर अभी भी यहाँ वैल्यू नहीं आई। ओके कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं आई तो अच्छी बात है, आ जाएगी, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट। ओके यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, वो क्या है कि हमने यहाँ दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट करके एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, वैल्यू को। सो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट करके हमने एक्सेस किया है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट करके एक्सेस किया है, ठीक है। ओके सो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ दिस थीम इक्वल्स टू जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ वो मैं कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ सी ओ एन टी एक्स टी, ठीक है, सी ओ एन टी एक्स टी, तो क्या ये वैल्यू मेरे को मिल रही है। ओके सो ये मेरे को वैल्यू मिल गई अभी, दिस इज माई वैल्यू, ठीक। और ये मेरे को यहाँ सबसे पहली चीज़ जो अपने को यहाँ सीखने को मिली, ठीक है, पहली चीज़ क्या अपने को सीखने को मिली, वो ये कि एरर यहाँ क्यों आया, ठीक है। तो एरर यहाँ इसलिए आया, एरर यहाँ क्या था कि अपने को सबसे पहली चीज़ कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ये अपने को एक्सेस करना है,
ये अपने को एक्सेस करना है वन लेवल अप, ठीक है, मतलब एक लेवल अपने को ऊपर इसको एक्सेस करना होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम यहाँ इसको यहाँ डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब अगर मेरे को इसको यहाँ यूज करना है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं ले सकता, ठीक है। मेरे को इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, मेरे को एक लेवल ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, मगर ये मेरा सिर्फ सोचना है, ठीक। तो लेट्स ट्राई कि अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको यहाँ डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ इस सेम चीज़ को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पास ना करके मैंने इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ भी थीम ना पास करके मैं इस थीम को कहाँ ले रहा हूँ, मैं इस थीम को डायरेक्ट उठा रहा हूँ यहाँ से हटा के, ठीक है, मैं इसको सीधा ले रहा हूँ इधर इस जगह पे, ठीक है। और क्योंकि थीम में मैं कुछ पास तो कर नहीं रहा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस थीम को हटा देता हूँ, यहाँ विस्मार को हटा देता हूँ। तो अब अगर ये सही तरीका है, ठीक, और इस दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यू आएगी, तो मेरे को ये चीज़ इसकी वैल्यू यहाँ भी मिल जानी चाहिए। स्क्रीन पे जाते हैं, देख लेते हैं कि यार ओके ठीक है, तो मेरे को यहाँ ये वैल्यू मिल गई, ठीक। तो मेरे को जहाँ भी इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल कि यार मेरे को इस नेस्टेड होते 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 इस बटन के अंदर मेरे को अगर इसकी वैल्यू को एक्सेस करना था, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, क्लास कंपोनेंट के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा स्टैटिक, ठीक है। ये स्टैटिक हमारा एक वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल सीधा लिंक हो जाएगा इस बटन के साथ, ठीक। तो आपको अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप सीधा बटन डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर सीधा लिख सकते हो कि दिस डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप, ठीक। और इस कॉन्टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको आपको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ये जो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट जैसे आप लिखोगे तो ये जो वैल्यू है जो इस थीम के अंदर जो वैल्यू ऊपर से आ रही थी ये सीधा सीधा यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि अगर अभी हमने ये वैल्यू पास की, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, सो मैंने लिखा चेंज वैल्यू, ठीक है, तो चेंज वैल्यू करते ही ये हमारी वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई और यहाँ दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक। तो इस तरीके से हम अपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे क्लास कंपोनेंट के अंदर, और जो डेटा है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे बिना ही किसी बार बार प्रॉप्स लिंक के पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है। अभी ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा बगल में रख लेते हैं, अब इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं, मतलब मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ कि चलो ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस डॉट जेएस, ठीक। तो ये मैं आपको कोड दे दूँगा बाद में, और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, और आपको अगर जब अगर इस कोड को एक्सेस करना हो तो आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि अब मेरे को इसको खाली करना है, ठीक, क्यों, क्योंकि आर एफ सी ई एंड देन इस तरीके से और ये हमारा ऐप हो गया, तो ये मेरे का ऐप एक्सेस हो जाना चाहिए था, हो गया, ठीक है, गुड। तो इस तरीके से क्या करते हैं यार, हम प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, ठीक है, पीछे समझ में आ गया आपको। इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, और हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर वी यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इससे पहले कि हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करें, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इस टाइम यूज फॉर द सम नीडेड एक्सेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मेरे को मैनी कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है और नेस्टेड लेवल है, और मेरे को वहाँ डेटा को पास करना है, ठीक है, और मेरा सेम कंपोनेंट है जिसमें जो कि मेरा जो मेरा सेम डेटा है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उन केसेज में हम इसके कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि यार अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक लेवल से दूसरे लेवल और बीच में एक एलिमेंट है तो भी मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करूं, ठीक, उसके लिए भी डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि आपको बोला है कि इफ़ यू वांट टू अवॉइड पासिंग सम प्रॉप्स फ्रॉम मैनी लेवल, अगर आप मैनी लेवल पे प्रॉप्स को पास करना नहीं चाहते तो आप कंपोनेंट कंपोजिशन इज ऑफ्टन एंड सिंपल सॉल्यूशन, आप कंपोनेंट कंपोजिशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कंपोनेंट कंपोजिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो अभी एक वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो उसको हम उसको मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, मतलब आपको कमेंट सेक्शन सॉरी अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ आप कंपोनेंट कंपोजिशन के बारे में आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो उसका यूज़ केस, देख सकते हो कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो एलिमेंट के में ही सिर्फ डेटा पास करना है तो आप कंपोनेंट कंपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो अभी यार मैं इस वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ, और इसके बाद जो अगर मेरे को इसके अंदर कुछ अच्छा कंटेंट मिला, इनिशियली यार जितना भी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली था वो आपको पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस यहाँ तक हो चुकी होगी, और इसी बारे में हमने पूरे के पूरे इस डॉक्यूमेंटेशन में बात की है। ठीक है, तो अगर इसमें मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा है वो यहाँ डाल दूंगा। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, और यार ग्रो करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ओके।